फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नाज किचन। और आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छेदार आलू के पकौड़े। और ये है हमारा इंग्रेडिएंट गाइस, जिसमें से मेन इंग्रेडिएंट है आलू, और हमने तीन लिया है, एक बड़ा और दो छोटा। ये अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती कटी हुई, और ये है कॉर्न स्टार्च, अरारोट पाउडर, मैदा, दो मिर्च कटे हुए और नमक। तो आइए गाइस, अब हम इसे आलू को अब हम कद्दूकस कर लेंगे। और कद्दूकस करने के लिए हम यहाँ पे आलू ले रहे हैं, और हमें इस साइड से नहीं करना है, इस साइड से करना है, क्योंकि तभी आलू लच्छेदार होंगे, बड़े बड़े। तो आप देख सकते हैं हमारे आलू कितने लच्छेदार हुए हैं। अब हम इसे पानी में डाल लेंगे। पहले हमें इसका पानी अच्छी तरह से गार लेना है। देखिए, अच्छी तरह से गारेंगे तभी आपका बाइंडिंग अच्छा बनेगा। तो अब हम इसमें अपना सारा कुछ मिला लेंगे। यहाँ पे हम कॉर्न स्टार्च एक चम्मच डाल रहे हैं, मैदा हम तीन चम्मच डालेंगे, क्योंकि हमने आलू तीन आलू लिया है। नमक हम हिसाब से लेंगे, तीन आलू के हिसाब से आधा चम्मच मैंने लिया है। और यहाँ पे हम धनिया पत्ता जितना डाले उतना अच्छा है, और हरी मिर्च डाल रहे हैं। यहाँ पे हम दो कटे हुए हरे मिर्च डाल रहे हैं, और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारा, हम वो डाल रहे हैं, और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे हाथों की मदद से। यहाँ पे हम अपना एक चम्मच और मैदा मिला रहे हैं, क्योंकि ये बाइंडिंग अभी अच्छे से बन नहीं रही है। इतना देके देखते हैं, अगर बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर और ज़रूरत होगी तो हम देंगे, और अगर बन जाएगी तो फिर नहीं देंगे। तो हमें इस तरह से छोटे छोटे बाइंडिंग्स बना के देखना, ये अभी भी नहीं बन रहे अच्छे, थोड़े से और देना होगा। एक चम्मच हम और दे रहे हैं। जब ये बाइंडिंग बनने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कितना मैदा देना है। देखिए, ये हमारा बनने लगा। तो अब हम इसे अब फ्राई कर लेते हैं। पहले हम ऐसे ही शेप दे देंगे, और उसके बाद हम फ्राई कर लेंगे इसे। हमारा पैन गरम हो चुका है, और अब हम इसमें डाल रहे हैं ऑयल। अब ये गरम हो जाएगा। लच्छेदार आलू के पकौड़े को शेप दे दिया, और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, तीन आलू में कितने बने हैं। अब हम इसमें अपना ये डाल रहे हैं, और अच्छे से डालना है, क्योंकि तेल पड़ भी सकता है। इसी तरह हम अपना सारा बाइंडिंग डाल लेंगे इसमें, जो हमने शेप दे के रखा था। ध्यान से करना है फ्रेंड, तेल ना पड़े।
तो अब हम इसे गोल्डन फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। कितना अच्छा कलर आ चुका है और हम इस सबको पलट लेंगे और इसे गोल्डन फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। गोल्डन ब्राउन कलर को निकाल लेते हैं, ज़्यादा पकाना नहीं है नहीं तो आलू क्रिस्पी हो जाएंगे। सेजवान चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया है गाइस तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हिट द बेल आइकन गाइस।